गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टेक ऑर्डर हिंदी वन रेंजिंग बुक एंड ओपन द पेज नंबर 60। आज हम पेज नंबर 60 के प्रश्नों को हल करेंगे। गाओ बजाओ। देखो, इस बॉक्स में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं, जैसे सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। आपको क्या करना है, इस बॉक्स में जो यंत्र दिए हुए हैं उनके नाम को पढ़ करके इस खंडों में अलग लिखना है। जैसे तार वाले, ऐसे इसमें वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं जिनको हम उनके तार से बजाते हैं, जैसे सारंगी, इकतारा, सितार, गिटार। वैसे दूसरे खंड पे है आपको थाप देकर बजाने वाले बाजों के नाम लिखना है, और जो बज जाएंगे उनको यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजा जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजा जाता है, आपको इन सोचना है और उस जगह पे बजाए जाने वाले बाजों के नाम लिखना है। जैसे रेलगाड़ी या बस में, आपको यहाँ लिखना है कि रेलगाड़ी या बस में किस बाजे को बजाया जाता है। घर पर किसी अवसर पर, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर घर पर कोई भी उत्सव होता है या खुशी का माहौल होता है तो वहाँ पर हम ढोलक बजाते हैं ना, ढोलक या तबला बजाते हैं। भजन कीर्तन में इस जगह पर उपयोग होने वाले बाजों के नाम लिखना है, और स्कूल में किसी अवसर पर किस बाजे का उपयोग करते हैं आपको यहाँ लिखना है। सो स्टूडेंट, आप इस असाइनमेंट को करेंगे।